नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। हाय एवरीवन, आज एक नई वीडियो लेके फिर हाजिर हूं और आज मैं बताने वाला हूं आपको अर्जुन के पेड़ के बारे में, अर्जुन का पेड़ और उसकी छाल। मैं आपको दिखाना चाहता हूं पहले एक जो मैंने अर्जुन की पेड़ की पहचान और उसकी जो छाल है वो दिखाता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको पूरे डिटेल से समझाता हूँ। दोस्तों, ये है अर्जुन का पेड़, इसे कहते हैं अर्जुन का पेड़। इसकी सतह थोड़ी सी चिकनी होती है और ज़्यादातर के लोग बागों ने यहाँ से छाल निकाली हुई है। ये इसकी ऐसी पत्तियाँ होती है, सिंपल ऐसी पत्तियाँ होती है इसकी, ये इसकी पत्तियों की पहचान है, ऐसी इसकी पत्तियाँ होती है। और थोड़ी सी इसकी जो ये सतह है थोड़ी सी चिकनी होती है, ये थोड़ी सी चिकनी होती है, यही इसकी पहचान है। और मैं इसकी पत्ती तोड़ने की कोशिश करता हूँ ऊपर से, थोड़ी सी बड़ी, अगर टूट जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अर्जुन के पेड़ की पत्तियाँ, देख सकते हैं आप, ये अर्जुन के पेड़ की पत्तियाँ हैं और तो दोस्तों ये है अर्जुन के पेड़ की पत्तियाँ और ये इस तरह की होती हैं। अगर मैं दिखा पाऊँ सही से तो देखिए, ये है इसकी पहचान, ये है अर्जुन के पेड़ की पत्तियाँ। और मैंने इसका फल भी उठाए हैं लेकिन सूखे हुए हैं, मैं भी दिखाता हूँ। पहले आप इसकी पत्तियों की पहचान कर लीजिए, पेड़ मैंने दिखाई दिया था और दोस्तों ये है अर्जुन का पेड़, ये अर्जुन का पेड़ है और इसकी छाल बड़ी उपयोगी होती है। मैं अभी इसकी थोड़ी सी छाल निकालता हूँ और दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ी सी चिकनी होती है, इसकी बाहरी सतह थोड़ी सी चिकनी होती है और जब आप इसकी छाल उतारेंगे तो थोड़ा सा लालपन आएगा इसके अंदर, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने इसमें से छाल निकाली है और छाल निकालने के बाद ये लाल लाल दिख रहा है, ये लाल लाल सा, इसकी यही पहचान है कि ये अर्जुन का पेड़ है। और भी दो एक पहचाने हैं, मैं अभी आपको विस्तार से बताता हूँ। फिलहाल मेरा जितना ज़रूरत थी मैंने ये निकाल ली। ये देखिए, ये मैंने जो निकाला, तो जब आप इसको छिलोगे ना तो ये लाल लाल एकदम खून की तरह हो जाएगा। मैं अपनी उंगली दिखाऊं, मेरी उंगली भी लाल लाल हो गई, शायद लाइट नहीं पड़ रही सही से, लेकिन पेड़ पे साफ साफ लाल लाल नज़र आ रहा है। मैं इसे घर पे जाके अभी डिटेल से आपको बताता हूँ, ये इसकी पहचान है। देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, दूर से साफ नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पास से दिखाने की कोशिश करी है। और ये इस तरह की इसकी छाल होती है, इस तरह से ये सफ़ेद चिकनी सतह होती है देखिए, और ये लाल वाला हिस्सा, ये इसका कूट पीट के चूरा बना लीजिए और इसे छान लीजिए, जो मोटा वाला हिस्सा है उसे फेंक दीजिए और केवल इसी का चूरा बनता है इसकी छाल का। ये तो फल मैं केवल आपको दिखाने के लिए लाया था कि ऐसे ऐसे इसके अंदर फल होते हैं, ये इस तरह इसके फल होते हैं, अधिकतर सभी जगह होते हैं। ये है इसकी मेन छाल जो मैं आपको दिखाना चाहता था, मेरा मेन मकसद था केवल आपको इसकी पहचान बताना, बाकी और भी जानते हैं इसके बारे में, बहुत लोग जानते होंगे,
जो नहीं जानते मैंने ये उनके लिए बनाया है कि इसके बारे में जान लें, इसकी पहचान के बारे में। तो दोस्तों ये है अर्जुन की पेड़ की छाल। देखिए मैं साफ दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, ये तो देखिए इसकी सतह चिकनी होती है और इस तरफ से ये जो इसकी छाल होती है ये मैं और भी दिखा देता हूँ। देखिए ये रेड कलर की होती है हल्की हल्की और इस तरफ से ये वाइट होती है। जो अंदर वाली साइड होगा वो लाल कलर होगा, जो वाइट वाला कलर होगा वो बाहर वाली साइड होती है। ये यही है इसकी पहचान। और इसमें ये फल आते हैं, इस टाइम पे ये फल सूखे होते हैं, ये इसके फल होते हैं, ऐसे इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के इसके फल होते हैं। और इसकी पत्तियाँ मैंने आपको दिखाई थी, फिर भी मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये इसकी पत्तियाँ होती हैं, यही इसकी पहचान होती है, इस तरह की इसकी पत्तियाँ होती हैं। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान की बात। पहले मैं इसके फ़ायदे बता देता हूँ, बाद में इसके नुकसान बताऊँगा। अर्जुन की छाल को आप कूट पीट के इसका चूरा बना लें और इसको आप चाय के साथ ले सकते हैं, मलाई वाले दूध के साथ, और इसका आप काढ़ा भी बना सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, या कुछ खा पी लिया हो उसके बाद भी ले सकते हैं। और इसके सबसे बड़ी फायदा है कि आपको कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, रक्तवाहिनी, हृदय रोग से आपको बचाव होता है। और इसकी तासीर ठंडी होती है और इसे गर्मियों में बड़े आराम से ले सकते हैं। और रही इसकी नुकसान की बात, नुकसान इसके ये होते हैं कि आपको कब्ज़ बन सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, जिम चलाना रह सकता है, शरीर में कहीं दर्द रह सकता है। तो इसको इसका प्रयोग करने से पहले किसी अच्छे चिकित्सक से, आयुर्वेद चिकित्सक से पूछ लें और फिर इसका इस्तेमाल करें। और फिर भी अगर आपके अड़ोस पड़ोस में अगर ये अर्जुन की छाल है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 30 दिन तक, इसका कूट पीट के चूरा बना के और इसका पाउडर का आप चाहे काढ़ा बना लीजिए, चाहे आप चाय में बना लीजिए, इसकी चाय भी बनती है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं एक वीडियो में तो कवर कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं 2-4 टॉपिक आपको इसके। अर्जुन की पेड़ की छाल को आप अर्जुनाष्ट भी कहते हैं और हज़ारों साल से ये हमारे आयुर्वेद के अंदर इस्तेमाल होता हुआ आया है। और इसको आप काढ़े के रूप में ले रहे हो, चाहे आप चाय के रूप में ले रहे हो, या दूध पे मलाई के ऊपर ले रहे हो, आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। हार्ड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, रक्त वाहिनियों को स्वस्थ रखता है और आपका हृदय परफेक्ट रहता है। जो सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते हाँफने लगते हैं ये उनके लिए भी लाभदायक है, उनके हृदय के लिए बहुत लाभदायक होता है जो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हाँफने लगते हैं। और छाल दालचीनी मिलाने से एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपका खून बहुत तेज़ी से बनता है और बहुत अच्छे से बनता है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं और ज़्यादा जानने के लिए आप गूगल पे भी जा सकते हैं। और मैं इसके बारे में, इसकी पहचान के बारे में आपको बता सकूं, इसके पेड़ के बारे में, इस पेड़ के बारे में ना ही मैं कोई डॉक्टर हूं, ना ही मैं कोई आचार्य हूं, लेकिन हाँ इसके बारे में मैं जानता हूं क्योंकि इसका हम गर्मियों में काढ़ा बना के पीते हैं। आप 30 दिन तक बेझिझक ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लेने के लिए आपको किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात करनी पड़ेगी। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम और खून बहुत जल्दी तेज़ी से बनाता है। तो दोस्तों मैंने आपको इस पेड़ की पहचान बताई है, इसके कार्य बताए हैं और इस्तेमाल करना ना करना ये आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर फिर भी अगर कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, मैं वैसे इसके बारे में ज़्यादा जवाब दे नहीं पाऊँगा।
क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, बस ये गर्मियों में इस्तेमाल करने वाली चीज़ थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी ज़्यादा जानने के लिए आप गूगल में ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।